तो चलिए बात करते हैं सीरियल नमक इश्क का। नमक इश्क में युग की माँ ने जो जाल बिछाया उस जाल में फंस गया है युग। जी हाँ, युग की माँ नहीं चाहती है कि कहानी और युग कभी भी एक हो। ऐसे में उन्होंने अंतिम दाव तो चल दिया है। उसने गुंजन को ये बात कह दी है कि अब किसी भी तरीके से तुम युग को अपना पति बना ही लो और पिता भी। ऐसे में युग के खाने में नशे की दवा मिलाकर गुंजन उसके साथ रात तो ज़रूर बिताती है, लेकिन दूसरे दिन जब युग को होश आता है और गुंजन को अपने बिस्तर पर वो साथ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। वो गुंजन से पूछता है तो गुंजन कहती है कि हाँ, हम दोनों के बीच में जो होना था वो हो गया, पति पत्नी वाला रिश्ता कायम हो गया। इसके बाद गुंजन उठती है और बाहर जाने लगती है सबको ये खबर देने के लिए। युग रोकने की कोशिश करता है गुंजन को, लेकिन गुंजन ये नहीं सुनती है। अब जो है गुंजन और सरोज यानी कि युग की माँ की यही प्लानिंग है कि इस बात को किसी भी तरीके से बाहर परिवार में रखा जाए और कहानी तक पहुंचा दिया जाए कि किस तरीके से गुंजन और युग ने रात साथ बिताई है। लेकिन आपको मालूम है कि कहानी इन सब बातों पर नहीं विश्वास करेगी। कहानी को अपने युग पर पूरा विश्वास है। युग भी कहानी से यही कहेगा कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि रात में क्या हुआ है, लेकिन कहानी इस कहानी का अंत जरूर करेगी जो कि गुंजन और सरोज खेल रहे हैं। वेल, कैसे करेगी, क्या करेगी, ये आप देखेंगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में। लेकिन कहानी का जो विश्वास युग के ऊपर है वो नहीं टूटने वाला है।